हर स्पोर्ट्समैन का सपना होता है कि उसके गले में गोल्ड मेडल हो, क्योंकि मेडल तो सबको चाहिए होता है, पर मेरे को तो गोल्ड चाहिए, और मेरे को नहीं, हर स्पोर्ट्समैन को गोल्ड चाहिए होता है। जब भी जज्बे की बात होती है तो एग्जाम्पल दिया जाता है आर्मी मैन का और एक स्पोर्ट्स मैन का, और जब एक आर्मी मैन और एक स्पोर्ट्स मैन का जज्बा मिलता है तो जन्म लेते हैं दुष्यंत चौहान जैसे खिलाड़ी, जो हमारे देश को कई सालों से गौरवान्वित कर रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और आज स्पोर्ट्स वाला की पूरी टीम बहुत खुश है क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है दुष्यंत। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए, आप ऑफ कोर्स हमारे देश को लोगों के सामने अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतना फेमस कर रहे हैं, लेकिन पूरा स्ट्रगल क्या रहा है, कैसे बने दुष्यंत चौहान एक स्टार? शुरू में जो फादर ने डाला मेरे को, रेस्लिंग में डाल दिया, जो गांव में अखाड़े वगैरह होते हैं, तो अखाड़े वगैरह में मैं शुरू से जाने लग गया, प्रैक्टिस करने लग गया। तो वो चीज क्या है कि उसी तरह धीरे 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 मसल बनने लग गया। फिर कबड्डी वगैरह किया, नॉर्मली जो मेले वगैरह लगते हैं गाँव में उनमें, तो मैंने ज्यादा नहीं 17 साल तक मैंने रेस्लिंग और कबड्डी किया। नॉर्मली जो स्पोर्ट्स है वो जो गांव के बीच में मैच होता है या फिर जो स्टेट में मैच होता है वहां तक मैं खेला। लेकिन कबड्डी और कुश्ती से आज रोइंग, जिसमें आप हमारे देश को गौरवान्वित करें, ये कैसा सफर था, कैसे पहुंचे वहां तक? अभी पता नहीं चलता कि किस्मत कहाँ से कहाँ लेके जाती है। मैं जैसे मैंने कबड्डी और रेसलिंग में किया, तो नॉर्मली रनिंग वगैरह भी करते थे आर्मी की ट्रायल देने के लिए, कि जो आर्मी की ओपन भर्ती होती है वो सभी हर स्टेट में होती है, तो हमारे भी आर्मी की ओपन भर्ती आई थी, तो जो फर्स्ट भर्ती थी उसमें मैंने आर्मी की ओपन भर्ती के लिए ट्रायल देने गया था, पर उसमें मेरी एज नहीं थी। अच्छा। उसमें एज मेरी 16 हाफ थी, तो उन्होंने मेरे को आउट कर दिया कि बोला बेटा अगले साल आना, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है। तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने ट्राई किया, तो 17.5 साल एज थी मेरी, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया भर्ती के लिए। और जैसे ही मैंने आर्मी ज्वाइन किया, तो अलग अलग तरह से, जैसे कभी किसी स्पोर्ट्स से कभी किसी स्पोर्ट्स से कोचिज वगैरह आने लगे, बोले कि ठीक है ये स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए ठीक है। तो उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था स्पोर्ट्स का, तो ऐसे ही हम करते गए, थोड़ा टाइम टरकाते गए, जो टाइम निकालना होता है निकालते गए, फिर धीरे धीरे अपने आप थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया। एक चीज थी हमारे अंदर, हमारे नहीं मतलब पता नहीं सबके अंदर होती है नहीं होती, पर मेरे अंदर एक चीज थी कि अगर कोई चीज़ कम कोई काम करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि जो साइड वाला आगे निकल जाए, तो साइड वाले से आगे रहने के चक्कर में स्पोर्ट्स भी ऑटोमेटिक अच्छा होता गया। लेकिन मैं पूछूंगी, स्ट्रगल जैसे आप बनते हैं, आप मेहनत करते हैं, मेहनत तो सीखते हैं, प्रैक्टिस, क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं? स्ट्रगल इतना कुछ नहीं है कि जैसे नॉर्मली जो सभी प्रैक्टिस करते हैं कॉम्पिटिशन मिलता है, और मेरे को तो नहीं लगता इतना कोई कुछ वो है, पर जैसे कि जो घर से सपोर्ट मिलता है सभी को, अच्छा क्योंकि दूध देगा खाना हमारा हरियाणा को बोलते हैं तो सभी अच्छा खाते हैं, और साथ साथ क्या है कि एक उनके अंदर कंपटीशन की भावना रहती है कि एक दूसरे से कंपटीशन करना है कंपटीशन करना है, उसी चक्कर में वो धीरे धीरे करते रहते हैं, आगे निकल जाते हैं, निकलते रहते हैं बस। कैसी ट्रेनिंग होती है रोइंग की, आप लोग क्या रेगुलर बेसिस पर क्या ट्रेनिंग करते हैं? और ट्रेनिंग में कंटिन्यू जो हमारा माइंड है वो पूरा रोइंग की तरफ ही होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे एक जो साधु होता है उसकी तरह पूरा तपस्वी बन के हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आज ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, अदर स्पोर्ट्स में क्या है जैसे कि ठीक है एक महीने ट्रेनिंग किया 15 दिन रेस्ट कर लिया, ऐसे हम नहीं कर सकते। अगर हमने कंटिन्यू ट्रेनिंग करके 2 महीने ट्रेनिंग करके हमने अगर ज़्यादा लंबा रेस्ट भी ले लिया तो भी हमारा एंड्योरेंस लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा। अगर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो हमें लास्ट तक वो ट्रेनिंग शेड्यूल धीरे 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 हमें उस टाइम तक आना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्पोर्ट्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, आपको देखते हैं, मतलब दे लुक अप टू यू, वो सब जो देख रहे हैं उस शो को, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर कोई स्पोर्ट्स में है या नॉर्मल लाइफ में है, कि आप कहीं भी लड़ रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं भी कुछ कोई भी काम हो, कभी गिव अप मत करो, अपनी साइड से तो कभी मत करो, कि जब तक अगर होगा तो तुम्हारे से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, किसने बोला कि बोला जब तक सांसें चल रही है तब तक तुम लड़ भी सकते हो,